शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है। शाहीन के तीसरे टेस्ट न खेलने पर पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनुस काफी गुस्से में दिखाई दिए। वसीम अकरम ने इस बात का दावा भी किया कि शाहीन का तीसरे टेस्ट से बाहर रहना मैनेजमेंट का नहीं बल्कि उनका खुद का निजी फैसला है। वसीम अकरम ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि इसका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं था बल्कि ये शाहीन का खुद का फैसला था। पूर्व पाक दिग्गज ने आगे कहा, इसके बाद न्यूजीलैंड में 5 T20 है और शाहीन कप्तान है, लेकिन T20 क्रिकेट की किसे परवाह है। मैं समझता हूं कि वो सिर्फ मनोरंजन और बोर्ड को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए है, लेकिन क्रिकेटर्स को पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट ही अंत है। उन्होंने आगे कहा, अगर हम बात करें तो 20 साल पहले इस टेस्ट में सिडनी में क्या हुआ था शायद सबको पता होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कि T20 में पिछली रात क्या हुआ था। यहाँ फर्क है, इन लोगों को समझना और सीखना चाहिए। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं या खेल के महान बनना चाहते हैं? आप थोड़ी अकल के साथ दोनों बन सकते हैं। वहीं वकार यूनुस तो शाहीन शाह अफरीदी के फैसले से हैरान दिखाई दिए। वकार यूनुस ने एक चैनल पर बात करते हुए कहा कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट मिस करते हैं क्योंकि आपको आराम दिया जा रहा है तो मुझे समझ नहीं आता। वकार यूनुस ने आगे कहा, यह मेरे लिए बिल्कुल हैरान कर देने वाला है क्योंकि मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि वो इस टेस्ट का हिस्सा बने क्योंकि पिछले मुकाबले में वो अच्छे दिख रहे थे। वो पुराने शाहीन अफरीदी जैसे दिखना शुरू हो गए थे और गेंद को स्विंग करना शुरू कर दिया था और साथ ही रफ्तार भी अच्छी देखने को मिल रही थी, लेकिन उनके इस टेस्ट पे ना खेलने पर दोनों दिग्गज कहीं ना कहीं थोड़े से डिसअपॉइंटेड जरूर दिखाई दिए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी T20 क्रिकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा है, खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत इस टेस्ट से आराम दिया गया है क्योंकि अगली सीरीज जो न्यूजीलैंड में होने वाली है वहां पे 5 T20 मुकाबले पाकिस्तान को खेलने हैं और उस सीरीज में कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी के कंधों पर ही है, इसलिए शायद शाहीन शाह अफरीदी इस टेस्ट मुकाबले में नहीं दिखाई दिए क्योंकि शुरुआती 2 टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने काफी गेंदबाजी की थी। अब इस पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।